ओम शांति। आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ, तो ये संकल्प आया सबसे ज्यादा पुरुषार्थ मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि आप तो सब जो यहाँ बैठे हो बाल ब्रह्मचारी हो, है ना ऐसा? तो सबसे ज्यादा सीढ़ी मैं नीचे उतरा हूँ और मेरे को सबसे ऊपर सीढ़ी चढ़नी है, ये बाबा ने भी कहा। तो ये तो पुरुषार्थ में तीव्र गति में मेरे को नंबर वन आगे जाना ही है। इसके लिए मैं आप सबके सामने महान आत्मा जो बैठी है थोड़े शब्द सुनाऊंगा। तो दादी जांग की सूक्ष्म में लेट 50s में मैं रहता था बॉम्बे में, वर्ली में। दादी वहाँ रहती थी, वर्ली से फेस में जाती थी, वहाँ ज्ञान सुनाती थी, तो मैं भी वहाँ रोज़ से फेस में जाता था, परंतु पर्सनल मुलाकात नहीं हुई। फिर पूना में भी मैं था 50s में, पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर भी दादी जान की युवाएँ थी, मुलाकात नहीं हुई। सूक्ष्म में वाइब्रेशन कोने कोई हो सकती थी। फिर लंदन में जब मैं ज्ञान में आया 42 इयर्स पहले, तो दादी जान की मिली पहले दिन, परिचय लिया, फिर कहा कि आप सुबह को रोज़ मुरली क्लास में आओ। तो मैंने कहा मुरली कभी होती है? तो बोला 6 से 6:30 योग, फिर मुरली होती है। तो वो दिनों की बात है ज्ञान के पहले की, मेरी लाइफ जीवन बहुत व्यस्त होती थी, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट में मेरा संबंध रहता है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, कम से कम तब तक मैंने 10,000 करोड़ की प्रोजेक्ट में मेरा संबंध रहा, तो काफ़ी व्यस्त था, 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। तो सुबह को कभी 8 के पहले नहीं उठता था। तो मैंने कहा अगर मेरे को सुबह को 6:30 आना पड़े तो 5 बजे उठना पड़ेगा, संभव नहीं है। तो ऐसा करके मेरा कोर्स जब भी समाप्त हुआ, मुझे कई प्रश्न थे, मैंने कहा तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, पूछना है। तो टीचर बहन बोले मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, आपके मेरे हज़ारें पुस्तक पढ़े थे पहले, शास्त्रों के, हिस्टोरिकल, कई पुस्तक पढ़े थे, स्पष्ट करने के लिए मैंने पूछा, बोले मैं तो नहीं जानती हूँ। तो बोला आप सुबह क्यों नहीं आते हो? बोली मैं बाबा आपको जवाब दे। मैंने कहा सुबह को नहीं आ सकता हूँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ कारोबार में। तो बोला आपकी मर्जी। तो ऐसा करके मैंने सेंटर से मैं गया घर में, ये संकल्प कि चलो सुबह को नहीं जा सकता हूँ तो अभी कभी कभी चक्कर लगाऊंगा। रात को सो गया 12 बजे जैसा नॉर्मल लेट सोता था। तो 5 बजे अमृत वेले के बाद मेरी आँख खुल गई, तो मेरे को शिव बाबा का लाइट का साक्षात्कार हुआ, आँखें खुल गई। कभी मैं 5 बजे नहीं उठाऊँ, आँखें खुल गई साक्षात्कार, बिल्कुल फरिश्ता जैसा अनुभव करने लगा। साक्षात्कार हुआ 10-15 मिनट, बिल्कुल हल्का लाइट जैसा पूरा गुम हो गया। उसके बाद मैंने कहा चलो, टाइम देखा 5, मैंने जल्दी उठाऊँ सो जाऊँ जाके, लेकिन 10 मिनट मैं बेड में सोया पड़ा था। अचानक क्या हुआ कि मैं उठा, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कि कोई शक्ति ने मेरे में प्रवेश किया। उठा, नहाया, तैयार हुआ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरा शुद्ध बुद्ध मेरी बिल्कुल गुम हो गई। बाहर गया, कार में बर्फ पड़ रही थी, कार में बैठा, कार भी मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, कोई शक्ति ड्राइव कर रही है,
ऐसा करके मैं सेंटर के सामने पहुंच गया। दादी जान की बोली सुना रही है, बोली सुन रहा हूँ, लेकिन पूरा खो गया था बाबा के पास परमधाम में। तो मैंने कहा बोली भी चल रही है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा रूहानी नशे में बिल्कुल खो गया था। बोली चल रही है, मुझे कुछ समझ में आ क्या हो रहा है। तो बाबा से बातचीत चल रही थी, तो बाबा ने कहा बच्चे तूने बड़ा, तू 8 के बजे नहीं उठ सकते, आज कैसे उठा। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया बाबा, ये सब आपने किया, मैं तो कुछ पता भी नहीं क्या हो रहा है। तो बाबा ने वही दिन वरदान दिया, बच्चे आपको मैं रोज उठाऊंगा। उसको 42 ईयर्स हो गया है, बाबा रोज उठाता है। जिंदगी में अभी जब से ज्ञान में आया एक दिन भी मूली मिस नहीं किया, कभी भी नहीं। तो उसके बाद साक्षात्कार तो बहुत हुए, तो दादी जान की बार बार बोलती है आप को कुछ पूछना है, आपको पूछना है पूछना है। तो एक दम दादी जान के बैठा था इधर शक्ति भवन में 3-4 साल पहले, तो दादी जान की बोले देखो कुछ पूछना है योग करो मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, 7.5 साल योग किया, फिर बोले कुछ पूछना है। मैंने कहा बार बार पूछती है तो अभी मैं पूछ लेता हूँ। तो दादी को बोला हंसी मजाक में, देखो अभी तक मेरे को 7 साक्षात्कार हुए हैं, ब्रह्मा बाबा को 8 हुए थे, मेरे को 1 कम हुआ है, वो कभी हुआ क्योंकि मेरे को बाप समान बनना है। तो दादी सोच में पड़ गई। दादी की ये क्वालिटी है, हर एक बात का जो सुनती है उसका सोच के एकदम सुलझाव निकालती है और कैसा उसकी विधि निकाल के उसकी पूरी करे, इसका ये दादी की अच्छी अच्छी ये मैंने देखा है विशेषता है। और कोई भी बड़ी बात हुए भाभी कभी दादी हलचल में नहीं आती है, चलो उसका सुलझाव निकाले, ये देखा है 40 साल में मैंने। तो दादी 2 मिनट सोच में पड़ गई, फिर बहन को भेजा, देखो दादी गुलजा बाजू में रेस्ट कर रही है कि सिटिंग रूम में बैठी है। तो दादी गुलजार बताया कि रेस्ट नहीं कर रही है, सिटिंग रूम में बैठी है। तो दादी जांगी बोल चलेंगे उधर, मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगा। तो मैं को लेके गई और फिर बोला कि रतन बोलता है कि इसको 7 साक्षात्कार हुआ, 8वां हो अभी नहीं हुआ, इसको ब्रह्मा बाप समान बना है, कभी होएगा। तो दादी गुजरा बोलती है इसको अवश्य होएगा, बाबा अवश्य इसकी इच्छा पूरी करेगा। मैंने कहा अच्छा तो इच्छा पूरी करेगा तो मैं फिर शरीर छोड़ देगा, बाप समान बन जाएगा। तो दादी बोलती है नहीं नहीं नहीं, अभी आपको बहुत सेवा करनी है, अभी तो बाबा शरीर नहीं आपको एकदम 8वां साक्षात्कार नहीं करेगा, क्योंकि बाबा नहीं चाहता है कि आप शरीर छोड़े। मैंने कहा जो बाबा की मर्जी, तो अभी तक हम उसके इंतजार में बैठे हैं, कभी 8वां साक्षात्कार होगा। दादी जान की हर एक बात में एक्यूरेट है बिल्कुल। तो जब भी मैं ज्ञान में आया तो क्या हुआ कि बहुत नशा, रूहानी नशा चढ़ा, तो मैंने अपना कारोबार सब समेट लिया, लौकिक कारोबार, और कहा कि मैं अभी जाके मधुबन में पांडव भवन में बाजू में बंगलों लेके रहूँगा और पूरी समय जो जिंदगी का बच गया है तपस्या करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तपस्या पूरा बाबा खींचता था, पूरा दिन रात नशे में बैठा होता था। बाबा बोलते 8 घंटा याद करो, लेकिन मेरा 24 घंटा याद नहीं होता था। सब कारोबार समेट लिया और जाने की तैयारी की, क्योंकि कारोबार मगे मकान वगैरह भी थे काफ़ी मेरे को, उधर अपने बिजनेस भी था, तो टाइम लगता है 2-3 साल। तो दादी जानकी ने बोला ग्लोबल हाउस अभी जो बनेगा आप थोड़ा उसका देखभाल करेंगे, बाबा का डायरेक्शन था। तो मैंने कहा कि जब तक मैं हूँ इधर मैं देखूँगा, उसको ये नहीं बताया मेरी प्लान आगे क्या है। जब भी मेरा जो भी बातें थी समेट लिया लंदन में यहाँ आने के लिए, तो तब तक मैंने गवर्नमेंट से परमिशन लिया, पूरी प्रोफेशनल टीम आर्किटेक्ट इंजीनियर की अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया, 60 तो कॉन्ट्रैक्टर थे। तो मेरे को संकल्प आया अमृत वेले कि देखो ये
कारोबार जो मैंने खुद छोड़ दिया क्योंकि दुनिया से मेरे को पूरा त्याग वैराग था, फिर मैं इसमें फंस जाऊँ स्थूल बातों में, क्योंकि मकान इतना बराना बनाना झंझट है, पैसा भी नहीं कुछ भी नहीं, वो तो भी मैं भी डील में नहीं जाऊँगा, तो मुझे झंझट में नहीं जाना है। और मैं अमृत वाले में बाबा से बात किया लंदन में, बाबा मुझे ये कारोबार नहीं संभालना है, मैं तो अभी तपस्या में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, स्थूल बातों में कोई भी मेरी इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है। और आज मैं मुरली क्लास के बाद दादी के साथ रोज़ बैठता था, वो दोनों में आधा घंटा मुरली क्लास के बाद कारोबार के संबंध में दादी जानकी को बोलूँगा मुझे ये कारोबार नहीं संभालना है, मुझे जाके मधुमेह में भी तपस्या करनी है और कुछ नहीं करना है। बाबा बहुत खींचता था बहुत, तो ऐसा बाबा को बोला मैंने, मैं दादी को बोलूँगा मुझे नहीं करना है। जैसा ही मुरली क्लास ख़त्म हुई, दादी मिली मेरे साथ, जैसे मैं दादी को बोलने वाला था दादी मुझे ये नहीं करना है, दादी जांगी बोले सुनो आपके लिए बाप दादा ने गुलजार दादी द्वारा संदेश भेजा है। मैंने कहा मैंने संदेश कुछ मांगा ही नहीं है, नॉर्मली दादी कोई भी दादी वगैरह जाती है गुलजार दादी को बोलती है बाबा से पूछ क्या, मैंने कहा मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, खाली सूक्ष्म में बाबा से बात किया था अमृत वेला में, नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो आपके लिए भेजा है। तो फिर मेरे को हाथ में दिया, दादी को ये पता नहीं था कि मैं उसको बोलने वाला हूँ मुझे कारोबार नहीं संभालना है। तो बाबा का संदेश आया, बोले पढ़ो, मैंने सुनो मैंने पढ़ा, बाबा ने क्या लिखा, रतन बच्चा एकनामिकल बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है, यज्ञ का हड्डी बच्चा है और सब यही संभालने वाला है। अभी भगवान बोले जिसको मैंने सूक्ष्म में अमृत वाले में बोला ऐसा संदेश, तो उसको तो मिल गया, लेकिन दादी गुलजार दुबाना वही दिन सुबह को ये संदेश आया, तो मैं शांत शांत रहा, कुछ बोला नहीं, क्योंकि भगवान जो बोले, जो नशा चराने वाला बोले मेरे को ये करना है तो मैं कैसे ना बोलूं। तो दादी को मैंने कुछ नहीं बोला, मैं शांत रहा, बिल्कुल बिल्कुल शांत रहा। है तो कई बातें लेकिन थोड़ी समय अनुसार फास्ट जाऊंगा और थोड़ी बातें बताऊंगा। तो जब ये ग्लोबल रिट्रीट सेंटर ले रहे थे अक्सर में, तो हमारे को वो अब भी असंभव था, उसकी कहानी तो बड़ी है, असंभव था। तो जिसे मकान ले रहे थे उन्होंने 60 करोड़ में लिया था और 5 साल के बाद हम उसे खरीद कर रहे थे, हमने उनसे सौदा किया, बाबा का वरदान तो मेरे पास था 12 करोड़ में, वो भी कहानी बड़ी है कैसे मिला 12 करोड़ में, तो 3 करोड़ उसके ऊपर खर्चा 15 करोड़। तो दादी जांगी को बोला देखो अभी हमारे यज्ञ में 5 करोड़ भी नहीं है पैसा, और ये मेरे को कल कॉन्ट्रैक्ट सही करना है और 4 हफ्ते के अंदर हमारे को 15 करोड़ देना है, अगर नहीं दिया तो हमारा डिपॉजिट भी गया 2 करोड़, उसके साथ मकान भी गया, अभी क्या करें। तो दादी सोच में पड़ गई अभी क्या करें, क्योंकि पैसा तो कॉन्ट्रैक्ट सही करने वाला था, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं सही करेगा नेक्स्ट डे तो मकान चला जाने वाला था, क्योंकि और पार्टी इंटरेस्टेड थी और वो ज़्यादा पैसा देने वाली थी। तो दादी सोच में पड़ गई, दादी में ये विशेषता है हमेशा सुलझा निकालती है हर एक बात का। तो बोला देखो अभी शील दादी इधर ही है, वो जाती है बाबा के पास, संदेशी भी है, उसे पूछे, मैं कहा क्यों नहीं, शील दादी वो टाइम वहाँ थी। तो हम तीनों गए, शील दादी, दादी जांकी और मैं, ग्लोबल हाउस में बाबा के कमरे में बाबा के ट्रांसलर के सामने तीनों बैठे, बीच में शील दादी बैठी, एक बाजू मैं बैठा, एक बाजू दादी जांकी, वो गई बाबा के पास संदेश देने, हम पूरा फ्लोर पे बैठे तीनों। तो जब भी शील दादी गई ऊपर
बाबा के पास, तो दादी शील दादी एक हाथ मेरा पकड़ा, एक हाथ दादी जांग के पकड़ा और ऐसे ऐसे करने लगी, ऐसे ऐसे बैठी हुआ ट्रांस में है लेकिन ऐसे ऐसे करने लगी। जब ये नीचे आई शील दादी संदेश लेके, मैंने कहा दादी क्या बोला बाबा ने? बोला कि बाबा ने बोला है कि बच्चे मकान ले लो, 5 करोड़ का मैं प्रबंध करूंगा, 5 करोड़ का आपको पुरुषार्थ से प्रबंध करना है, लेकिन मकान देना ही है और 5 करोड़ तो आपके पास है। तो कमाल ये गई हो गई कि नेक्स्ट वीक कोई भाई ने बाबा की टचिंग द्वारा हमको फ़ोन किया, बोला मैं 5 करोड़ रुपये आपको देता हूँ, भेज दिया 5 करोड़, और 5 करोड़ हमने लंदन में जमा किया ब्राह्मणों के सहयोग से, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट सही हो गया। तो ऐसे करते कई मिसाल है जो बाबा की मदद से, सहयोग से या ब्लेसिंग से असंभव भी संभव हो गया है, और बाबा की मदद हर एक कार्य में का अनुभव किया है। और हर एक कार्य में कितनी इकोनॉमी हो गई है कि मैंने अभी तक अगर हिसाब करूं तो यज्ञ का 400-500 करोड़ रुपये की बचत हुई है, मेरे निमित्त बाबा मेरे को रखा है। तो 3 साल पहले जब बाबा आए थे स्टेज पे, बाबा ने बुलाया मेरे को, बोला बच्चे आपका यज्ञ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट है, ये बाबा के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। तो फिर दो साल पहले दादी बहुत बीमार थी, उसको एम्बुलेंस में लेकर गए हॉस्पिटल में। एक मिसाल और बताता हूँ, दादी बीमार थी तो वहाँ कायदा ऐसा है जो लंदन में यूके में रहते हैं उनकी ट्रीटमेंट फ्री होती है, जो लंदन से बाहर रहते हैं उनको पैसा देना पड़ता है। तो वहाँ तो बहुत महंगा है मेडिकल एक्सपेंसेस, तो उसको एम्बुलेंस में लेके गए गवर्नमेंट की पब्लिक एम्बुलेंस हॉस्पिटल की। तो वहाँ 5-6 दिन दादी रही, तो जब ही दादी को डिस्चार्ज किया तो उन्होंने बोला दादी यहाँ नहीं रहती है यूके में और इसको पैसा देना पड़ेगा। दादी के डॉक्टर से भी राय लिया जो उसका डॉक्टर, उन्होंने बोला हाँ कायदा है आपको पैसा देना पड़ेगा, ये कायदा है। तो मेरे पास आया समाचार 20 लाख का बिल, 20 लाख। तो मैं गया बाबा के पास, बाबा दादी खुद बोलती है हमको इकोनॉमी में रहना है, यज्ञ का पैसा वेस्ट नहीं करना है और पाई पाई यज्ञ का पैसा हमको बचाना है, ये पैसा हमको 20 लाख नहीं देना है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और अभी हमको कोई ना कोई टचिंग करके संकल्प बताओ कि कैसे उसके हम विधि से पैसा नहीं दे। मैं पूरा गूगल चेक किया, देखा कौन से कारण से हम ये पैसा नहीं दे सकते हैं, 3 घंटा गूगल चेक किया। उसके बाद मैंने उनसे बात किया मेडिकल हॉस्पिटल से, उनको ईमेल लिखा, उनको बताया बाबा की टचिंग तो हमेशा मेरे पास रहती है बहुत, और बोला दादी का पैसा जो है हम नहीं देना चाहते हैं और ये कारण है, कई कारण बताया उनको। तो उनका फिर आया मैसेज हम दादी से भी चार्ज नहीं करेंगे, सब फ्री कर दिया पैसा, 20 लाख बच गया। तो ऐसे कई मिसाल है, यहाँ तो अभी टाइम नहीं बचाने बताने का आपको, कहाँ करोड़ों करोड़ों की बचत हो गई है बाबा की सेवा में। बाबा ने मेरे को निमित्त रखा है करण करावन हार, बाबा है मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो ये बाबा क्या नहीं कर सकता है ये मैं अनुभव किया है, बाबा सब कुछ कर सकता है, परंतु हमारी सच्ची दिल निस्वार्थ दिल बाबा के साथ होए, तो बाबा की मदद गारंटीड है,
कई मिसाल है मेरे पास, अभी टाइम भी हो गया है तो नहीं बताना चाहता हूँ और बातें, लेकिन ये सार में बता, डिटेल में तो बहुत बातें हैं, उसमें बहुत समय लगेगा बताने में, परंतु ये पूरे यज्ञ में ये ध्यान रहे, मेरी ये इच्छा है कि कोई भी कार्य होए, कई मेरे से बाबा ने असंभव भी संभव कराए, गवर्नमेंट से थ्रू परमिशन लेना असंभव थी, ग्लोबल हाउस बनाना असंभव था, जीआरसी देना असंभव था, बड़ी कहानी है, परंतु सवाय बाबा के मदद के बाबा ने वरदान भी दिया। जब भी मैं गया बोला, बाबा ने बोला आप असंभव को संभव करने वाले हो, आप हर कार्य में सफलता को पाने वाले हो, ये पर्सनल वरदान बाबा ने मेरे को स्टेज पे दिया, कई वरदान दिए, और बोला आपका यज्ञ में, न सिर्फ यज्ञ में, पूरे ड्रामा में, पूरे ड्रामा में बहुत अच्छा पार्ट है बच्चे, आप सतयुग में राजा बनने वाले हो, चिंता मत करो। तो कहने का भाव है बाबा को साथ रखो, हर कार्य में बाबा को साथ रखो, ये मेरी इच्छा है बस, और कुछ नहीं। साथ रखो तो क्या नहीं हो सकता है, पल पल वहाँ मैंने कुर्सी रख दिया अपने ऑफिस में खाली, बाबा को बैठा लिया, कोई नहीं बैठता है, बाबा मेरे साथ बैठा है सूक्ष्म में, जो भी कार्य करता हूँ बाबा तू मेरा साथी है, तू सहयोगी है, तू मेरा बास है, तू पार्टनर है, तो देखो असंभव भी संभव हो जाता है। तो ऐसे मिसाल कई है, एक मिसाल नहीं है, बहुत है, परंतु समय की सीमा है, तो अभी मैं समाप्त करूँगा। ओके, ओम शांति।